मोमिन बेटे शो मी योर होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटे आज हम कारवानी उर्दू का काम करेंगे। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था बी अस्करी के मकतब का अहवाल। आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बेटा अपने साथ कारवानी उर्दू निकाल लीजिए, कॉपीज और पेंसिल्स और पेन। कारवानी उर्दू कॉपीज, रफ कॉपीज, पेंसिल्स और पेन्स रखिए। बेटे कुछ मैं आपको आंसर्स डिक्टेट करवाऊंगी और कुछ आपको बुक से मार्क करवाऊंगी। बी अटेंटिव ऑल ऑफ यू। बॉयज सब अपने अपने कैमराज ऑन करके बैठिए। पेज नंबर 84 पे देखिए। सवाल जवाब। हुसैन आरा के मिजाज और आदात के बारे में अस्करी को कैसे इल्म हुआ? पहले आप इसका क्वेश्चन से ही आंसर लिखेंगे। हुसैन आरा के मिजाज और आदात के बारे में असगरी को कैसे को कट कर दीजिए। कैसे को कट कर दीजिए, ऐसे इल्म हुआ। सब बच्चे कैमरास बेटे अपने अपने ऑन कीजिए क्विकली। ऐसे इल्म हुआ आप जी। पेज नंबर 79 पे देखिए। 79 सेकंड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन। सेकेंड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन। पेज नंबर 79 सेकेंड पैराग्राफ फिफ्थ लाइन। के हुसैन आरा के मिजाज में जहां दुनिया भर की खराबियां थी, एक ये अच्छाई थी कि जहीन और समझदार होने के अलावा नेक जात भी थी। फौरन उसका दिल अच्छी बात का असर कबूल कर लेता था और इससे कोई खता हो जाती और नरमी से उसको मुतनबा किया कर दिया जाता तो कायल और नादिम होकर अपनी हरकत पर तासुफ और तलाफी माफात में कोशिश करती। यहाँ तक बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। पहले आपने क्वेश्चन से ही एक लाइन लिखनी है, कैसे की जगह लिखना है आपने ऐसे इल्म हुआ। के बाद बेटे यहाँ से पेज 79 की फिफ्थ लाइन से आपने करना है, आपको मार्क करवा दिया गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हुसैन आरा के मिजाज में क्या अच्छी बात थी? क्वेश्चन नंबर 2, हुसैन आरा के मिजाज में क्या अच्छी बात थी? इसकी भी पहले एक लाइन हम क्वेश्चन से देखेंगे। हुसैन आरा के मिजाज में क्या की जगह आप करेंगे ये, क्या को कट कर दें ये अच्छी बात थी पेज नंबर 79 पे देखिए।
नंबर 79, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ की 9th लाइन। आपको अब ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। असल में हुसन लिखा हुआ है ना आपने बेटा, हुसन से पहले डालना है के, हुसन से पहले लिखना है के। हुसन आरा का मिजाज निहायत नेक था, नास परवर्दगी और दौलतमंदी से जिन खराबियों का पैदा होना मुमकिन था वो अलबत्ता बदरजा गायत उसके मिजाज में असर कर गई थी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये हुसन आरा का मिजाज निहायत नेक था, नास परवर्दगी और दौलतमंदी से जिन खराबियों का पैदा होना मुमकिन था वो अलबत्ता बदरजा गायत उसके मिजाज में असर कर गई थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अस्करी खानम के मकतब का माहौल कैसा था अपने अल्फाज में लिखिए। अब इसकी भी एक लाइन आप क्वेश्चन से पहले लिखेंगे। अस्करी खानम के मकतब का माहौल ऐसा था, कैसा की जगह कर दीजिए ऐसा, ऐसा था। पेज नंबर 79 पे आइए। ऐसा था कि बात एक लाइन आप खुद लिखेंगे के कुछ लड़कियां, एक लाइन आप खुद लिखेंगे के कुछ लड़कियां अमीर जादियां और पेशावरों की बेटियां थी। के कुछ लड़कियां अमीर जादियां और पेशावरों की बेटियां थी। अब पेज 79 लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में देखिए बेटियां थी के बाद आप डालेंगे बेटा कॉमा, कोई मतवस्तुल हाल, कोई निहायत गरीब। अब ये बुक से आप मार्क कर रहे हैं, कोई मतवस्तुल हाल, कोई निहायत गरीब और जिस तरह उनकी हालतें मुतफावत थी, उनकी सूरतें और सीरतें जरूर एक दूसरे से मुख्तलिफ थी मगर मकतब की तालीम ने सीरतों के इख्तलाफ को बिल्कुल मिटा दिया था। अगले पेज पे है। ये लड़कियां बावजूद यक्का कई घरों की थीं, ताहम आपस में ऐसी मिली जुली रहती कि गोया सबकी सब सगी बहनें हैं, ना उनमें कोई लड़ाई होती ना कभी किसी तरह की रंजिश पैदा होती। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अस्करी के मकतब का माहौल ऐसा था। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हुसन आरा की आमद के बाद मकतब के माहौल में क्या तब्दीली रूनुमा होने लगी। इसका भी पहले आप क्वेश्चन से एक लाइन लिखेंगे। हुसन आरा की आमद के बाद मकतब के माहौल में क्या, आपको कट कर दीजिए,
यह तब्दीली रूनुमा होने लगी। क्या आपको कट करके लिखेंगे जी, यह तब्दीली रूनुमा होने लगी। पेज नंबर 80। केस बेटा अगर रूट की तरफ लाइन से ऊपर को लाइए फोर्थ लाइन के शक्ल के सूरत शक्ल और अमीरी बीबी के मज़मून ताज़ा हो गए और हुसैन आरा आते के साथ ही गरीबों को देखकर लगी तेवरी चढ़ाने और बला का घमंड था कि बाज लड़कियों को देखकर बेख्तियार हंस देती और बेतामुल कह बैठती शक्ल ना सूरत भाड़ में से निकल। पेज नंबर 81 की फर्स्ट लाइन तक। दिस इज आंसर नंबर 4। अब जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हुसैन आरा ने मकतब की लड़कियों का तमस्कर कैसे उड़ाया और महमूदा ने अपने तौर पर उसकी इस्लाह किस तरह की। तमस्कर पता है ना आपको क्या कहते हैं, उसका मायने मजाक। ठीक है, मजाक या फिर उसका बेटे दिल आजारी की, इसका उसने कहते ना इसने आपका मजाक उड़ाया, अच्छे अच्छी सेंस में नहीं उड़ाया। अब जी इसका आंसर भी पहले क्वेश्चन से लाइन लिखेंगे। हुसैन आरा ने मकतब की लड़कियों का तमस्कर कैसे को कट करके लिख दीजिए ऐसे ऐसे उड़ाया पेज नंबर 81। इसका आंसर बेटे बड़े ध्यान से लिखिएगा, इसमें एक एक लाइन आपको खुद से भी लिखनी पड़ेगी बीच में। बी अटेंटिव बेटे, इसका आंसर ध्यान से सब लिखिएगा। सबसे पहले पेज नंबर 81 में सेकंड पैराग्राफ उसने जुबैदा लिखा है ना, उससे पहले आपने इसमें ऐड करना है के उसने जुबैदा की तरफ इशारा करके कहा। अब बेटा ये क्यूब हुआ को कट कर दीजिए। महमूदा बेगम ये सामने वाली चीचकरू लड़की तबाक की रोटी का सा मुंह लिए कौन है। अब जी आगे आपने ये लाइन भी कट कर देनी है, ये कहकर हुसैन आरा आप ही आप हंसी तक कट कर दीजिए। फिर आपने लिखना है और उस इस उम्मीद से कि महमूदा भी ऐसी भक्ति सुनकर फड़क जाएगी, महमूदा का मुंह देखने लगी। यहाँ महमूदा पर इसका उल्टा असर हुआ। इसके बाद भी आगे वाली लाइन कट कर दीजिए, मुंह से तो कुछ ना कहा, इसको कट कर दें। मगर हुसैन आरा की बात को इस कदर हिकारत से सुना कि उसके चेहरे से ये बात जाहिर हो गई। यहां तक मार्क कीजिए, अभी कोई आंसर पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये बात जाहिर हो गई। इसके बाद आपने एक लाइन खुद लिखनी है, फिर महमूदा ने कहा के, ये लाइन खुद लिखिए, फिर महमूदा ने कहा के। स्क्रीन पे देखिए के अमीर खां की हवेली में रहती है,
यहाँ से आप ऐड करेंगे कि अमीर खान की हवेली में रहती हैं, जुबैदा इनका नाम है, इनके अब्बा रफू का काम करते हैं के बाद ये छोटी सी लाइन फिर आप एक लिखें, इसमें ऐड करें। तो हुसैन आरा ने कहा कि, तो हुसैन आरा ने कहा कि, अब जी इसके बाद अगली लाइन फिर कट कीजिए, हुसैन आरा अच्छी कैसे, इसको भी काट दीजिए। यहां से कंटिन्यू करें, रफू घर है बेटी के चेहरे में, पाव भर कीमा लेकर रफू नहीं करते, यहां तक। अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 82। इसमें एक लाइन आप खुद लिखेंगे, बल्कि दो लाइन्स हैं। उसके बाद हुसैन आरा ने के बाद हुसैन आरा ने गरीब कलीगर की बेटी का मजाक उड़ाया और कहा कि इसके चेहरे पर कली क्यों नहीं करते, कि इसके चेहरे पर कली क्यों नहीं करते। कली जो है ना बेटे, वो गोल काफ से होगा, गोल काफ लाम आइन छोटी ये, कली क्यों नहीं करते। क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हुसैन आरा ने फिर उसके बाद हुसैन आरा ने कोने में बैठी लड़की को ये कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर उसके बाद हुसैन आरा ने कोने में बैठी लड़की को ये कहा कि इसकी सूरत कैसी बद रौनक है, रोते में तो और बिगड़ जाती होगी, रोते में तो और बिगड़ जाती होगी, इसके जवाब में महमूदा ने कहा, इसके जवाब में महमूदा ने कहा कि, अब जी बेटा नीचे आइए, सेकंड लास्ट जो डायलॉग है महमूदा का, वहां पे देखिए, के बाद आपने लिखना है, रोती सूरत की तारीफ मैंने आप ही से सुनी है, खैर आपको आपका बसुरता हुआ हुसन मुबारक रहे, यहाँ कोई इसका ख्वाहा नहीं। इसी तरह हुसैन आरा ने और दो चार थप्पियां कसी तो महमूदा ने कुछ दाद ना दी, आखिर हुसैन आरा किसियानी होकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। यहाँ तक है जी,
आंसर नंबर फाइव। अब आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स। असगरी ने महमूदा को हुस्नारा के बारे में क्या बताया? असगरी ने महमूदा को हुस्नारा के बारे में क्या बताया? पेज नंबर 83। पेज नंबर 83, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखिए, महमूदा से कहा से पहले आप लिखेंगे असगरी ने, ये आप लिखेंगे असगरी ने। उसके बाद बेटे यहाँ से शुरू कीजिए, महमूदा से कहा कि हुस्नारा बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी उम्दा सहेली तुमको हाथ लगी है। थोड़े दिन सब्र करो, इसको बद दिल मत होने दो। बेचारी तायरे वहशी की तरह गिरफ्तारे कफस है। अगर कहीं तुमने इसको भड़का दिया तो फड़फड़ा कर उड़ जाएगी और फिर नाह पकड़ाई देगी। और अगर पर्चा पाया तो देखना कैसी कैसी मीठी मीठी सफीरें सुनाती और दिलों को लुभाती है। यहाँ तक ये जी क्वेश्चन नंबर सिक्स है। अब जी बेटा हैंड रेस कीजिए, अपना पहले होमवर्क देख लीजिए और फिर हैंड रेस कीजिए अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो। होमवर्क देखिए जी, सबने बेटा अल्फाज मायनी लाजमी करने हैं आज, और उसके बाद ये सवाल जवाब आज ही कर लीजिए। कल इसका अब मैं लास्ट आपको बेटे काम अगला करवाऊंगी, फिर ये हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। होमवर्क है जी, इसके तमाम सवाल जवाब आपने कॉपीज में करने हैं। हाँ जी पूछिए बेटा क्वेश्चन। रेयान बेटा पूछिए, क्विकली क्विकली बेटे। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर जो आपने पेज नंबर